Hello dear students, कैसे हैं आप लोग? I hope you are doing very good in your study. स्वागत है आप लोगों का Unacademy Studios Escape Velocity चैनल पर, जहां पर मिल रहा है आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट directly from Kota's faculty. और सारी की सारी faculties आपको बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट deliver कर रहे हैं regularly इस चैनल के ऊपर. सभी का एक फिक्स शेड्यूल है, जैसे कि अगर मैं अपने शेड्यूल की बात करूँ तो मेरे लेक्चर्स आप लोगों को इस चैनल पर मिलते हैं मॉर्निंग 8 to 9 एंड इवनिंग 5 to 6, और दोनों ही शेड्यूल के अंदर दो अलग अलग टॉपिक में कवर करवा रहा हूं आप लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है ना. जो ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग रहेंगी फॉर मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना. मंडे टू फ्राइडे आपको हर दिन क्या होगा, इन दोनों टाइम्स पर मेरे फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स मिलेंगे. और इसी टाइप से हर एक एडुकेटर का एक फिक्स टाइम है, और हर एक एडुकेटर अपने टाइम पर आप लोगों को कंटेंट डिलीवर कर रहा है और करता रहेगा. तो आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है, घर बैठे मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो जरूर से जरूर उसका फायदा उठाएं, ठीक है. तो करना अपने को सिर्फ क्या है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर एक लेक्चर का आपको इन्फॉर्मेशन पहले से मिलता जाए. उस पूरे लेक्चर को देखें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाते चले जाएं, ठीक है. तो आई थिंक आप लोगों ने टाइम नोट कर ही लिया होगा. आज के इस पर्टिकुलर स्पेशल क्लास की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ में. और वो टॉपिक क्या है, सारे बच्चों को इस टॉपिक के अंदर डाउट रहता है, लेकिन मेरा दावा है कि आज की ये स्पेशल क्लास देखने के बाद आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से जो भी डर है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है. बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं. जैसे कि मेरी एक स्पेशल क्लास होने जा रही है ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, और ये रहेगी मंडे को, मतलब कि कल, ठीक है ना. मंडे को होगी, मंडे मतलब कि 12 अगस्त को रहेगी, जिसका टाइमिंग है 3:30 PM ऑनवर्ड्स. पूरे 60 मिनट्स की ये क्लास रहेगी, और इस 60 मिनट की क्लास के अंदर हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एज पर JEE एग्जाम वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कई सारे टॉपिक के अंदर यूज हो जाता है. जहां कहीं पर भी H2O2 सॉल्यूशन यूज में आ रहा है, वहां पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाली चीज काम में आ सकती है, पूछी जा सकती है. तो अपने को वो चीज समझ में आनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए. तो रजिस्टर करना है. अब वो रजिस्टर भी कैसे करोगे, तो उसके लिए देखो, आपने ऑब्वियसली अनअकैडमी लर्नर ऐप तो डाउनलोड कर ही रखा होगा. अगर नहीं भी कर रखा है, कुछ छोटे चुन्नू मुन्नू ने अगर नहीं कर रखा है, तो वो सबसे पहले प्ले स्टोर या iOS पे जाकर अनअकैडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड करें, लॉगिन वॉगिन की फॉर्मेलिटी करें, और उसके बाद में सामने एक प्लस का टैब दिखेगा, इस टैब के ऊपर क्लिक करें, ठीक है ना. प्लस वाले टैब के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको पहला ही सेक्शन मिलेगा एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री. अभी इसी वीडियो के बाद आप लोगों को ये काम करना है कि इस प्लस की टैब पर जाना है, और वहां पर एक्सपीरियंस प्लस ऑफ फॉर फ्री में ये वाली क्लास देखना है, और वहां पर जाकर सिर्फ क्या करना है, रजिस्टर करना है, ठीक है ना. रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्जेस नहीं है, बिकॉज दिस क्लास इज एब्सोल्युटली फ्री. बिकॉज जैसा कि मैंने सेक्शन का नाम क्या बताया, एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री, तो आपको ये क्लास फ्री में ही अटेंड करने को मिलेगा. सिर्फ क्या करना है, रजिस्टर करना है. अगर रजिस्टर नहीं करोगे टाइम से पहले, तो फिर होगा कि प्लस को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा, और वो भी किसमें, फ्री में, ठीक है ना. तो बिल्कुल भी मिस करने लायक ये चीज नहीं है, तो जल्दी से जल्दी इसको रजिस्टर करें, ताकि आप प्लस को एक्सपीरियंस कर सकें. एक और काम आप कर सकते हो, जब लर्नर ऐप डाउनलोड कर ही लोगे, तो मेरा नाम सर्च कर आप लोग वहां पर जाओगे, मेरी प्रोफाइल मिलेगी. सबसे पहला काम तो प्रोफाइल पर जाकर मुझे फॉलो करना है. रीजन, जो भी मेरे अपकमिंग कोर्सेज होंगे उनके रेगुलरली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है ना. जो कोर्सेज हैं वो फ्री में भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना. फ्री लेसन भी अवेलेबल हैं, प्री रिकॉर्डेड हैं. लेकिन अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए इस टाइप से मेरे प्लस कोर्सेज मिलेंगे आपको. एक कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट है, वो किसके लिए, ड्रॉपर्स के लिए, ठीक है ना. बहुत ही जल्दी 11th क्लास के बच्चों के लिए भी मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है. तो अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, इवन बाकी टीचर से भी लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ क्या करना है, अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना. अनअकैडमी प्लस पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको लेक्चर्स मिलेंगे, उसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स हैं. अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, तो पॉजिटिव 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 बहुत सारे प्लस ही हैं, ठीक है ना. जैसे कि अगर हम लोग बात करें थ्योरी क्लासेस की, थ्योरी क्लासेस के अंदर आपको फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, 3 टाइप की केमिस्ट्री पढ़नी है, और हर सब्जेक्ट के लिए अपने पास बहुत सारे एडुकेटर्स है.
आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो मैथ्स के कोर्सेज देखो कितने कोर्सेज चल रहे हैं, 26 कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं 23 कोर्सेज चल रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं 19 कोर्सेज चल रहे हैं और अलग अलग एडुकेटर्स के चल रहे हैं। तो जिसके साथ भी आपकी ट्यूनिंग बैठ जाती है, जिसका भी पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, उसके कोर्सेज आप देख सकते हो, उसके कोर्सेज से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो पहली बात तो टीचर्स की चॉइस आपके पास अवेलेबल है। सेकेंड थिंग कि सिर्फ वो पढ़ाएंगे नहीं, लाइव आपको पढ़ाएंगे। लाइव पढ़ाने का मतलब क्या होगा कि आप साथ ही साथ उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग, हर तीन क्लास के बाद एक डाउट सॉल्विंग सेशन भी होता है, जिसमें आपने तीन लेक्चर तक जो भी होमवर्क बनाया या जो भी प्रैक्टिसेस वगैरह करी है, कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है तो वहां पर सेम टीचर उसको सॉल्व कराता है। हर वीक वहां पर क्विजेस रहेंगे, हर मंथ एक मेगा क्विज रहेगा। और उसके अलावा टेस्ट सीरीज, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, टेस्ट सीरीज होती है, जो चाहे वो 12th बैच का हो, 11th बैच का हो, ड्रॉपर्स बैच का हो, हर एक बैच के स्टूडेंट के लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है एज पर आईआईटी जेई सिलेबस। तो ये सारे के सारे काम आप जब करोगे तभी जाकर आप आईआईटी जेई को क्रैक कर सकते हो। और वो क्रैक करने में हेल्प कौन कर रहा है, अनअकैडमी प्लस, बिकॉज वो सारी चीजें अवेलेबल है कहां पर, अनअकैडमी प्लस पर। अब इतने सारे बेनिफिट होने के बाद भी, इतने प्लस बेनिफिट होने के बाद भी जो सब्सक्रिप्शन फी है बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, मतलब एक तरीके से कहूं तो माइनस है। जैसे कि 11th क्लास के बच्चे के लिए बात करूं, जो ये 2 ईयर का प्लान है, 24 मंथ्स का प्लान है, तो उसकी जो फी है वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 40,000 रुपीज है, ठीक है ना। 2 साल की कोटा लेवल की प्रिपरेशन आईआईटी जेई की कोटा कंटेंट के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में, सिर्फ और सिर्फ कितने का, 40,000 रुपीज का। अगर आप कहीं पर सर्च करोगे बड़े बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज का ही, ठीक है ना, 2 साल की टेस्ट सीरीज का ही अगर आप देखोगे प्राइस, तो वो 40,000 से ज्यादा ही होगा। और यहां पर आपको 40,000 में सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं मिल रहा है, पूरा का पूरा प्रिपरेशन करने का मौका मिल रहा है। और उसमें भी एक और बेनिफिट है कि अगर ये कोड यूज करते हो बीजे लाइव, मेरा पर्सनल कोड है बीजे लाइव, तो इससे मेरी तरफ से आपको मिलेगा कितना, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, और आपकी फी रिड्यूस होकर रह जाएगी सिर्फ और सिर्फ कितनी, 36,000 रुपीज, ठीक है ना। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इवन किसी और को बताएंगे तो वो भी इमेजिन नहीं कर पाएगा कि 2 साल तक आईआईटी जेई की प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ कितने में, 36,000 रुपीज में। और इसी टाइप से जो बच्चे 12th में या 13th में है, दे कैन ज्वाइन दिस कोर्स, दिस प्लान, 12 मंथ प्लान, और इस 12 मंथ प्लान की भी जो फी है बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, 22,500 रुपए। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप लोग आईआईटी जेई की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं, तो घर बैठे कर रहे हैं और कहीं सिटी में नहीं जा सकते, कहीं पर प्रिपरेशन के लिए नहीं जा सकते, ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अनअकैडमी प्लस से बढ़िया ऑप्शन आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें, और जब भी सब्सक्राइब करें तो ये कोड यूज करना ना भूलें, बीजे लाइव, बिकॉज 10% का इससे क्या मिलने वाला है, रिलैक्सेशन मिलने वाला है, ठीक है ना। बात समझ में आई गई होगी आप लोगों की। और चलते हैं अब आज के स्पेशल वीडियो के कंटेंट के ऊपर, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। क्या पढ़ना है अपने को, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नाम से ही बहुत भारी सा टॉपिक लगता है कि पता नहीं क्या होगा इसके अंदर, ठीक है ना, होता भी कुछ भारी सा ही है, लेकिन अगर सिंपल तरीके से समझाया जाए तो हर एक बच्चे को समझ में आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन होता क्या है, ज्यादातर टीचर्स को खुद ही पल्ले नहीं पड़ता है तो वो समझा भी नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे तरीके से समझेंगे कि एक बार में अपने को चीजें समझ में आ जाए। और उसके लिए मैंने सिंपलेस्ट डेफिनेशन लिख रखा है सामने, थोड़ा बहुत शुरू कर रखा है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग डेफिनेशन की अगर देखें बात, तो वो क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में पहली बात तो रिएक्शन होती है रेडॉक्स, ठीक है ना। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमेशा कैसी होगी, रेडॉक्स होगी, इन विच एन एलिमेंट, ठीक है ना, की वर्ड्स को हम लोग अंडरलाइन करें, रेडॉक्स रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट प्रेजेंट इन वन सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वन है, ठीक है ना, तो प्रेजेंट इन वन सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, एक ही एलिमेंट हो, वन सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर में हो, कौन सी साइड पर, एट रिएक्टेंट साइड, एट रिएक्टेंट साइड, और वो कन्वर्ट हो किसके अंदर, इनटू टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर, टू डिफरेंट, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स में कन्वर्ट हो, लेकिन साथ ही साथ क्या जरूरी है, शोइंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। कोई एक एलिमेंट है रिएक्टेंट साइड पर जिसका कोई ना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर है, अब वो क्या कर रहा है, समहाउ दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर्स में चेंज हो रहा है, लेकिन
वो वन से टू जो जा रहा है, दो प्रोसेस हो रहे हैं, तो उनमें से एक प्रोसेस क्या हो, ऑक्सीडेशन, एक प्रोसेस क्या हो, रिडक्शन, तब हम लोग बोलते हैं कि उस सब्सटेंस का, उस एलिमेंट का क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं आपके सामने, ठीक है ना, बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सपोज अपने पास में लाइक ये रिएक्शन है कि Cl- कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, सॉरी Cl- नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, क्या लें, चलो ClO- ले लेते हैं। ClO- कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, Cl- एंड प्लस ClO3- इस टाइप की कोई रिएक्शन है, ठीक है ना। आयनिक फॉर्म में मैंने रिएक्शन लिख रखा है ClO- कन्वर्टिंग इनटू Cl- प्लस ClO3-। तो इसके अंदर एलिमेंट तो अपने को दिख ही रहा है, कौन सा एलिमेंट की बात हो रही है, क्लोरीन की बात हो रही है। तो मुझे क्या करना है, उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जरूर निकालना है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालूं लेफ्ट साइड पर, तो ये आपको आता ही होगा, ClO- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना, प्लस वन। इसी टाइप से Cl- में अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ये होता है कितना, माइनस वन। और ClO3- में अगर बात करें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कितना, प्लस फाइव। ठीक है, तो ये तीनों के मैंने क्या निकाल लिए, ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहली लाइन तो अपनी यहां पर सेटिस्फाई होती दिख रही है कि रेडॉक्स रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट शोइंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देखो प्लस वन से किस में जा रहा है, माइनस वन में जा रहा है। प्लस वन से माइनस वन जाना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होने को बोला जाता है क्या, रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसे, रिडक्शन। इसी टाइप से प्लस वन से वो किस में जा रहा है, प्लस फाइव में जा रहा है। प्लस वन से प्लस फाइव जाना मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो बाय द डेफिनेशन अपनी सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही है कि रेडॉक्स रिएक्शन है इन विच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन सिंगल ऑक्सीडेशन नंबर एट रिएक्टेंट साइड कन्वर्टिंग इनटू टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स एट प्रोडक्ट साइड शोइंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में ClO- का क्या हो रहा है, ना सिर्फ ऑक्सीडेशन ना सिर्फ रिडक्शन, इसी का क्या हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है। ठीक है ना, डिसप्रोपोर्शनेशन पूरे रिएक्शन का नहीं होता, डिसप्रोपोर्शनेशन किसी सब्सटेंस का होता है, तो वो सब्सटेंस इस रिएक्शन में कौन है, ClO- है, ये चीज ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है किसका, ClO- का। आई होप डेफिनेशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक और एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेशन और डिसप्रोपोर्शनेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन रिएक्शन है, कौन सी, सेल्फ डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है ना, सेल्फ डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, जिसके बारे में मैं स्पेशल क्लास भी लेने वाला हूं, जैसा मैंने बताया था वॉल्यूम स्ट्रेंथ की क्लास होने वाली है अपनी। तो सेल्फ डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉमन रिएक्शन है, कई सारे चैप्टर्स में यूज आएगा। क्या होता है कि H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और H2O2 जब सेल्फ डीकम्पोज होता है तो ये कन्वर्ट होता है किस किस में, H2O में, और प्लस क्या बनता है, O2 बनता है। बहुत ही कॉमन सी रिएक्शन है, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन के अंदर डिसप्रोपोर्शनेशन होता है या नहीं वो चेक करते हैं हम लोग, और वो चेक करेंगे किससे, ऑक्सीडेशन नंबर से। दो ही एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट है, कौन कौन है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेफ्ट साइड पर हाइड्रोजन निकालें तो प्लस वन, राइट साइड पर भी हाइड्रोजन निकालें प्लस वन, मतलब उसकी तो बात नहीं हो रही है। किसकी बात होगी, ऑक्सीजन की। H2O2 में परऑक्साइड में ऑक्सीजन होता है कितने में, माइनस वन में। H2O ऑक्साइड है तो उसमें ऑक्सीजन होगा माइनस टू में, O2 न्यूट्रल है तो इसका मतलब जीरो में रहेगा। ठीक है, अब वन सिंगल से टू डिफरेंट में जा रहा है, वन सिंगल से टू डिफरेंट जाने का मतलब क्या हुआ कि पॉसिबिलिटी है कि डिसप्रोपोर्शनेशन हो। ठीक है ना, चेक कर लेते हैं। H2O2 माइनस वन से माइनस टू जा रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज का मतलब क्या, रिडक्शन हो रहा है। इसी टाइप से माइनस वन से जीरो जा रहा है, माइनस वन से जीरो जाने का मतलब इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज मतलब कि क्या, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है सेम एलिमेंट का, और सिंगल से टू डिफरेंट में जा रहा है, तो इसी वजह से इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डिसप्रोपोर्शनेशन। अब किसका डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन हो रहा है किसका, H2O2 का। ठीक है, डेफिनेशन आ गया होगा समझ में आपको डिसप्रोपोर्शनेशन का। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग डिसप्रोपोर्शनेशन। ठीक है ना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जेई में दो बार क्वेश्चन आ चुका है रिसेंट ईयर्स में। तो हम लोग एक नोट डालकर लिख लेते हैं, और ये नोट है किसके लिए, देखो कोई भी अपने पास में लाइक नॉन मेटल
और नॉन मेटल हो कौन सी स्टेट में, फ्री स्टेट में, किसी भी नॉन मेटल इन फ्री स्टेट का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दें, बेस के साथ करा दें, तो रिएक्शन हमेशा क्या होती है, रिएक्शन ऑलवेज इज डिसप्रोपोर्शनेशन, रिएक्शन हमेशा क्या होगी, डिसप्रोपोर्शनेशन, ठीक है ना। बस एक इसका एक्सेप्शन रहेगा और वो एक्सेप्शन कौन रहेगा, वो एक्सेप्शन होगा F2। और एक्सेप्शन ऐसा नहीं कि अपने को कुछ रटना है, लॉजिक की वजह से एक्सेप्शन है, नाम एक्सेप्शन है कि उसके अंदर ये चीज नहीं लगेगी बाकी सब में लगेगी, क्यों नहीं लगेगी वो भी देखते हैं। जैसे कि सपोज एग्जांपल है मेरे पास में फास्फोरस, फास्फोरस फ्री स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, एस पी फोर, इसका रिएक्शन अगर मैं करा दूं किसके साथ में, बेस के साथ, बेस मतलब कि एन ए ओ एच के साथ, तो प्रोडक्ट बनेंगे क्या क्या, एक बनता है पी एच थ्री और एक बनता है क्या, एन ए एच टू पी ओ टू, एन ए एच टू पी ओ टू, इस टाइप से ये रिएक्शन होती है, ठीक है ना, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व है कि ये रिएक्शन इसी टाइप से होती है। नाउ इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर्स अगर मैं निकालूं, पी फोर की बात करते हैं, पी फोर मतलब फॉस्फोरस नॉन मेटल है फ्री स्टेट में, ऑक्सीडेशन नंबर कितना, जीरो हो जाएगा। एक कंपाउंड बन रहा है पी एच थ्री, तो पी एच थ्री के अंदर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाले तो ये आता है कितना, माइनस थ्री। इसी टाइप से NaH2PO2 की बात करें तो NaH2PO2 के अंदर फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस वन आ जाएगा। आया बात समझ में। और अब पहली बात तो क्या हो रहा है, वन सिंगल से टू डिफरेंट में जा रहा है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, और दूसरी कंडीशन क्या देखनी है मुझे, कि एक प्रोसेस ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन हो, तो वो भी आसानी से देखा जा सकता है, जीरो से माइनस थ्री डिक्रीज हो रहा है मतलब कि क्या, रिडक्शन हो रहा है, एंड जीरो से प्लस वन, जीरो से प्लस वन मतलब कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहे हैं, वन सिंगल से टू डिफरेंट में जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि रिएक्शन क्या है, डिस्प्रोपोर्शनल। एंड फ्लोरीन के बारे में अपने को पता है कि इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना, क्या होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, मतलब नेगेटिव चार्ज बियर करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन का पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ होता है जीरो एंड माइनस वन, क्या होता है जीरो एंड माइनस वन ही होता है, इसके अलावा फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता। अब मेटल है अपने पास में फ्री स्टेट में, मतलब फ्लोरीन किस में, जीरो में, तो जीरो से वो सिर्फ किस में जा सकता है, माइनस वन में भी जा, माइनस वन में ही जा सकता है, जीरो से माइनस वन मतलब रिडक्शन है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए तो क्या है, जीरो से पॉजिटिव में भी जाना चाहिए और पॉजिटिव फ्लोरीन के लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसी वजह से फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा, बाकी सारी नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन करेंगी तो क्या बनेगी रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। आया बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रिएक्शन में पता कर सकते हैं कि रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो पहले टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन के लिए, वो क्या पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन या इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन, चार ऑप्शन दिए रहते हैं अपने को और अपने को रिएक्शन आइडेंटिफाई करना होता है कि डिस्प्रोपोर्शनेशन है या फिर नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें इस टाइप का कोई रिएक्शन है Mn2+ कन्वर्टिंग इनटू व्हाट Mn4+ n+ Mn7+, इस टाइप की कोई रिएक्शन है, ठीक है ना, और इसमें अपने से पूछा जाए कि इज दिस डिस्प्रोपोर्शनेशन और नॉट, ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाए, तो कई बच्चों को आधी डेफिनेशन ही पता होती है तो डायरेक्टली टिक करे आते हैं कि वन सिंगल से किस में जा रहा है, टू डिफरेंट में जा रहा है, वन सिंगल से टू डिफरेंट में जा रहा है तो डेफिनेटली क्या होगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी। लेकिन ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं है, रीजन वन सिंगल से टू डिफरेंट में तो जा रहा है लेकिन प्लस टू से प्लस फोर, प्लस टू से प्लस फोर का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और इसी टाइप से अगर मैं बात करूं प्लस टू से प्लस सेवन, तो प्लस टू से प्लस सेवन भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो वन से टू डिफरेंट में जा रहा है लेकिन दोनों ही प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन है। और अगर दोनों ही प्रोसेस ऑक्सीडेशन है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि Mn2+ का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन चूज करते टाइम ध्यान जरूर रखें। और आज के लेक्चर से कम इतना तो आपको समझ में आ ही गया है कि कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी या कौन सी रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगी।
आई बात समझ में? तो यहीं पर रुकते हैं हम लोग आज के स्पेशल वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक करें, जो भी आपके रेस्पॉन्सेज हों वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मुझे लिखें, और चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा जनता में इसको शेयर करें। और जो बच्चे सीरियसली आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको वापस से याद दिलाऊंगा अबाउट प्लस, कि प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करें, बहुत फायदा होगा आपकी प्रिपरेशन में। और ये कोड लगाना ना भूलें, कौन सा कोड है? बीजे लाइव कोड है, जिससे क्या मिलता है? 10% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स के अंदर। टिल देन बाय बाय, लव यू।